वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। रोजी रोटी कमाने दूसरे देशों में जाने वाले कामगारों को जिन मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है और कई बार इन्हें बंधक बनाकर जिस तरह प्रताड़ित किया जाता है वह गंभीर चिंता का विषय है। हाल में खाड़ी देश ओमान में झारखंड के 30 मजदूरों को बंधक बनाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इन सभी मजदूरों को 2017 में मस्कट की एक कंपनी में काम करने के लिए ले जाया गया था, लेकिन पिछले साल जून के बाद कंपनी ने इन्हें काम से हटा दिया था। तब से इन्हें बंधक बनाकर रखा हुआ है। घटना का पता तब चला जब एक मजदूर ने इस बारे में किसी तरह फोन कर अपने परिजनों को दर्द भरी दास्तां बताई। एक मजदूर ने कुछ लोगों की मदद से भारतीय विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। ये मजदूर फिलहाल उस कंपनी के परिसर में ही कैद हैं। यह ठीक है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए कोशिशों में जुट गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि कंपनियों को सस्ते मजदूर मुहैया कराने वालों का जो तंत्र विकसित हो चुका है उस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, ताकि लोग ऐसे गंभीर संकट में न फंसें। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय मजदूर काम कर रहे हैं। ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में ये लोग एजेंटों के जरिए चले तो जाते हैं, लेकिन जाने के साथ ही इनके बुरे दिन भी शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर कंपनियां इन्हें अमानवीय हालत में रखती हैं। कंपनियों के मालिक रसूखदार होते हैं। ऐसे में गरीब मजदूरों की कौन सुनेगा। कंपनियों में कोई श्रम कानून नहीं है। 18 घंटे काम कराना मामूली बात है। यही सब झारखंड के ये मजदूर झेल रहे हैं। इन्हें 24 घंटे में एक बार खाना दिया जा रहा है और बकाया वेतन मांगने पर धमकियां। हालांकि बताया यह जा रहा है कि इन सभी मजदूरों की वीज़ा अवधि खत्म हो गई है और इसीलिए ये कैद में हैं। अगर किसी मजदूर की वीज़ा अवधि खत्म हो गई तो उसे बढ़वाना या उन्हें समय से भारत भेजना कंपनी की जिम्मेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए। दरअसल ऐसी समस्याएं इसलिए खड़ी होती हैं कि बड़ी कंपनियों को मजदूरों की आपूर्ति करने वाली एजेंसियां फर्जी दस्तावेजों के जरिए मजदूरों को दूसरे देशों में पहुंचा तो देती हैं, लेकिन बाद जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती हैं। कई एजेंट जो ठेकेदार कंपनियों के लिए काम करते हैं वे इन्हें कंपनियों के हवाले कर निकाल लेते हैं। कंपनियां मजदूरों को काम देते वक्त उनके सारे वैध दस्तावेज जब्त करके रख लेती हैं। ऐसे में मजदूर असहाय हो जाते हैं और बंधक के रूप में
काम करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा धंधा यह पनप गया है कि एजेंट मजदूर की सकुशल वापसी के नाम पर उसके परिजनों से मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। भारत के मजदूरों को बाहर भेजने वाले एजेंटों का बड़ा नेटवर्क है। पंजाब, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में कामगार दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। सरकारी तौर पर मदद उन्हीं की हो पाती है जो वैध रूप से गए हों। समस्या अवैध रूप से जाने वालों की ज़्यादा गंभीर है। ऐसे में सरकारी स्तर पर संबंधित देशों के विदेश मंत्रालय और दूतावासों के स्तर पर इन्हें हल किया जाता है। लेकिन सवाल है कि अवैध रूप से मजदूरों को भेजे जाने का जो धंधा देश में फल फूल चुका है उस पर लगाम कैसे लगे। स्टॉप।